confident. We are going to get full majority, no question about it. ये सरकार का संकल्प होगा कि जनता की आशाएं और अभिलाषाएं को हमें पूरी करनी होगी। तो कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी ने तीन हिंदी हॉटलैंड के अंदर बीजेपी को हरा दिया है, ऐसा लग रहा है रुझानों से। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में अब माहौल बनता हुआ, यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का वर्चस्व कायम होता हुआ। अगर हम पूरे राजस्थान की इस समय बात करें, जो बड़ी पिक्चर है उसमें आप देखिए नीला दिख रहा है, लेकिन जैसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो है वो पूरी तरह से बिछ जाएगी, वो बिछी नहीं है। बीजेपी ने जो ओपिनियन पोल थे उनको दरकिनार करते हुए 75 के आंकड़े को छुआ है, लेकिन ये बड़ी हार है 2013 में जो जीत हुई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़, ये वो इलाका है, ये वो स्टेट है जहां कांग्रेस ने अपनी ताकत, अपना दमखम पूरे रूप से दिखाया है, और निश्चित तौर पर पोलस्टर इसको मान रहे थे कि यहां पर कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन 66 पे राहुल गांधी की कांग्रेस और बीजेपी 18 पर है। यहां पर बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की, ये वाकई क्लीन स्वीप है कांग्रेस की, ये एक तरफा जीत है। तेलंगाना, जहां कांग्रेस ने एक बड़ा गठबंधन करा, खून का घूंट पिया, टीडीपी के साथ अलायंस करा, चंद्रबाबू नायडू के साथ गए, कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू साथ आए, लेकिन यहां पर केसीआर की ताकत के आगे सब बौने दिखे और केसीआर ने 90 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई। और मिजोरम की जहां तक हम बात करें, मिजोरम की स्थिति बिल्कुल साफ है, यहां पर कांग्रेस को झटका लग रहा है 6 सीटों के साथ। लेकिन अगर हम देखें तो जो विपक्षी दल था उसको बड़ी जीत मिली है, जिसको 24 सीटों के लगभग आ रही है। बीजेपी के पास 1 सीट है और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हैं। तो ये करंट स्थिति है। अब दूसरे इलाके की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, ये मिजोरम की बात। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश के अंदर लड़ाई, जैसा मैंने आपको पहले बोला, कांटे की चल रही थी। बीजेपी कभी 115 होती थी, कभी कांग्रेस 105 होती थी, अब कांग्रेस 114 है और भारतीय जनता पार्टी 110 के नीचे खेल रही है। वो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है, यानी ये वो राज्य है जिसको संघ की प्रयोगशाला भी माना जाता है, वहां कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस की जो भव्य जीत दिखाई दे रही थी, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के मान रहे थे, जो कमलनाथ मान रहे थे, वो फिलहाल मिसिंग है। लेकिन फिर भी झटका है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी यहां पर आखिरी राउंड की काउंटिंग बची हुई है, तो बहुत कुछ होना बाकी है। पवन वर्मा अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। पवन वर्मा, क्विकली 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, पवन वर्मा, देन रागिनी नायक। अमीश, नुपुर होल्ड करिए आप। पवन वर्मा कि कांग्रेस को देखिए, प्लीज बीच में ना बोलिए। जी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कांग्रेस को इस सफलता के बावजूद ये अध्ययन करना होगा कि आखिरी मील की रणनीति वो तय क्यों नहीं कर पाती। आखिरकार अलायंस बिल्डिंग की जो रणनीति होती है, चाहे वो बीएसपी के साथ हो चाहे अन्य पार्टीज के साथ, उस पर उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। और बीजेपी को इस बात पर सोचना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसके लिए समर्थन है उसमें इतना गिरावट क्यों हुई है। यह अब दोनों चीज़ें, ये दोनों पार्टियों को इसको इस पर सोचना, अमल करना पड़ेगा। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे पार्लियामेंट में इलेक्शन जब होगा तब तस्वीर बदल सकती है। इस बात को कांग्रेस को मान करके चलना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की जीत बताई जा रही थी कांग्रेस की वैसी नहीं हुई है। ठीक है, अगर 10 सेकंड में देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए महागठबंधन बना और उस महागठबंधन को धोखा देकर, जनता के मतादेश को धोखा देकर जाने वाले आज ये हम कांग्रेस को सिखा रहे हैं कि महागठबंधन के लिए क्या करना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस अब भी आत्ममंथन करेगी, चिंतन करेगी, क्योंकि 2019 में भी हमें सरकार बनानी है। पर बड़ा सवाल, अमीर सिद्धू ने कहा कि 2019 में लाल किले पे राहुल गांधी झंडा फहराएंगे, तैयारी करिए। अब कांग्रेस पार्टी 2019 का चुनाव जीतेगी, राहुल गांधी फहराएंगे झंडा, बोलने तो दीजिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक आखिरी बात बोलूं, बड़ा सवाल अमीश, बड़ी बात बोल रहे हैं आप लोग। 65 सीटें हैं लोकसभा की, कांग्रेस के पास इन तीनों प्रदेशों में केवल 3 हैं। बिल्कुल,
कम से कम कितनी सीटों का इजाफा होगा मुझे पवन वर्मा जी ही बता दें। नहीं, कम से कम 40 सीटें हम यहाँ से आगे लेकर जाएंगे जो कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, पवन वर्मा जवाब, पवन वर्मा 10 सेकंड में जवाब, फिर रामकृपाल सिंह। पवन वर्मा, इन 65 सीटों में अगर मान लीजिए आप 30-35 भी जीत गई, और जिसका भी पूरा अभी मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तो 44 में जोड़ दीजिए ना, कितना बनता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त ये झूमने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को इससे अध्ययन और मंथन और चिंतन की आवश्यकता है। करेंगे पवन वर्मा जी, 40 सीटें तो यहीं जोड़ दीजिए, फिर बिहार में आप और भाजपा कैसे नीचे आएंगे और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं आचार्य जी आपके साथ, रामकृपाल सिंह। अरे आप अभी से गणित मत कीजिए।